माता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ घी राइस, जिसको कि आप नमकीन पुलाव भी बोल सकते हैं। इसे आप दाल तड़के के साथ खाइए या फिर चिकन के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और ये बहुत ही जल्दी घर के सामानों से ही आसानी से बन सकता है और इसे ज़्यादा बनाने में टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। घी राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पर और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो बाजार में बहुत से तरह के घी हैं, कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। घी राइस घी में ही अच्छे लगते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 काजू और 10 से 15 किशमिश। बस इतने हमने डाल करके इसे अच्छे से भून लेना है, ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। तो काजू और किशमिश हमारे अच्छे से भून गए हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे काजू किशमिश को हमने निकाल लिया है। अब इसी घी में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में हमने लिया है 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े और हरी इलायची 2 है और 1 बड़ी इलायची है, जिसको कि हमने छिलका निकाल लिया है क्योंकि अगर पानी में डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और 2 लवंग है, 8 से 10 काली मिर्च है। इन सब चीज़ों को हम घी में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज, जिसको कि हमने बारीक काट लिया है, एकदम पतले पतले साइज में प्याज को काटना है। तो प्याज काट करके इसमें हमने डाल दिया है। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को हमें पूरा लाल होने तक भूनना है। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से भून गए हैं, पूरे डार्क हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चावल। तो यहाँ पर जो हमने नॉर्मल चावल घर में यूज करते हैं वो हमने डाला है, क्योंकि बासमती चावल हर घर में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ हमने पानी में आधा घंटा पहले ही चावल को भिगो दिया था। अब इसमें हम डालेंगे चावल। तो 1.5 गिलास चावल का हमने यूज किया है। आप अपने हिसाब से, फैमिली मेंबर के हिसाब से चावल को बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसमें जाएगा 3 गिलास पानी, चावल के दुगना ही इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डाल करके हम अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, 1 नींबू का रस और 1 चम्मच नमक। अब हम सारे चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पर ढक के और कुक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे राइस जो है वो बहुत ही खिले खिले बने हैं। अब इसमें हम डाल देंगे काजू और किशमिश, जो कि हमने पहले ही फ्राई किया था। सारे काजू किशमिश को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को अब हम ऑफ कर लेंगे, क्योंकि हमारा घी राइस अच्छे से बन के तैयार है और ये सर्व करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए प्लेट में हमने निकाल लिया है और इसे आप दाल के साथ खाइए या फिर कोई भी सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऐसे भी ये नमकीन चावल है तो ऐसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.